ने पाव भाजी की डिमांड की है। हालांकि मैं एक पाव भाजी की रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, एक अलग तरीके की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी यमी है और बहुत इंस्टेंट बहुत जल्दी बन जाती है। आप इस पाव भाजी की रेसिपी को बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, 3 पतली सी गाजर, पेठा, थोड़ा सा पेठा यानी कि काशीफल लेना है। इन सबको मैंने धो के छील के काट लिया है। आलू को हम रफली चॉप करेंगे, ज्यादा बारीक चॉप करने की जरूरत नहीं है, रफली मोटा मोटा चॉप करके हम कुकर में डालेंगे। हाफ कटोरी मटर, इसे भी इसी में डालेंगे। थोड़ी सी गोभी के फूल है जो मैंने धो लिए हैं, आप भी इन्हें साफ करके धो के रफली चॉप करके इन सब्जियों को हमने कुकर में डालना है। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और आधा कप पानी। कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पे रखने के बाद हम इसकी 4 विसल लगाएंगे और अपने आप से ठंडा होने देंगे। कुकर की 4 विसल बज गई थी, अब हम भाजी को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर, 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे बारीक काट लिया है। बटर में प्याज को डाल के प्याज को हमने हल्का सौते करना है, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है ताकि प्याज का जो पानी है वो सूख जाए। आग को हम मीडियम ही रखेंगे। प्याज ये सौते हो गए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर है जिन्हें बारीक काटा हुआ है इसे हम डालेंगे। साथ ही हम 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च जिसे बारीक काट लिया है इसे भी डालेंगे। जब तक ये टमाटर और प्याज थोड़ा भूनते हैं तब तक हम इसको मैश कर लेंगे। जो हमने भाजी का बेस बनाया है उसे हम मैशर से मैश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हम बिल्कुल मैश कर लेंगे ताकि जितने भी वेजिटेबल है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये टमाटर हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं पनीर को ऐड कर रही हूँ। एक छोटे साइज के पीस को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, नमक हम ऑलरेडी बेस में डाल चुके हैं इसलिए हम नमक को ऐड नहीं करेंगे। पाव भाजी मसाले में मिर्ची रहती है इसलिए मिर्ची को भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें बेस को ऐड करेंगे। भाजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बारीक कटे हुए हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे। पाव को आप सेंटर से कट करेंगे इस तरीके से। आप नॉनस्टिक या कोई भी तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। पाव को दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। भाजी को सर्व करने के लिए हम नींबू लगी हुई प्याज को गोल रिंग में काट लेंगे। प्याज को गोल रिंग में आप काट के धो के और नींबू का रस निचोड़ देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है घर पे पाव भाजी को बनाना। इसे बनाने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगा है और खाने में ये इतनी टेस्टी डिलीशियस है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फ्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।